नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। लालू यादव ने कई चुनाव जीते और हर जीत का जश्न भी जोरदार रहा था, लेकिन एक चुनाव ऐसा था जिसकी जीत का जश्न लालू यादव ने कई दिनों तक मनाया था, और वो उत्सव ऐसा हुआ था जिसमें बजे ढोल नगाड़ों की आवाज पूरे बिहार में गूंजी थी। ये जीत का जश्न 1995 यानी कि 1995 के चुनाव का था, बिहार के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव। 1995 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था, उसकी अधिसूचना 8 दिसंबर 1994 को जारी की गई थी। इसे 4 चरणों में बांटा गया था और ये चुनाव 28 मार्च 1995 को संपन्न हुआ था। इस चुनाव को गंदगी मुक्त रखने की जिम्मेदारी टीएन सेशन ने ले ली थी। टीएन सेशन लालू यादव के लिए विपक्षी दलों से भी बड़ी चुनौती बनकर बिहार में आए थे। उम्मीदवारों को ये ठीक तरीके से समझा दिया गया था कि चुनाव के दौरान सेशन संहिता के उल्लंघन की भनक भी अगर लगी तो पूरी चुनाव की प्रक्रिया को रद्द कर दिया जाएगा। सेशन की बिहार चुनाव को इस तरीके से प्रभावित करना लालू यादव के लिए लाभदायी रहा। हालांकि सेशन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। सेशन की कड़ाई का नतीजा ये रहा कि करीब 3 महीनों तक उम्मीदवार चुनाव प्रचार करते रहे। इतने वक्त में जहां बाकी उम्मीदवार हिम्मत और संसाधनों दोनों से ही हार चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव के लिए पूरे बिहार को नापने के लिए ये वक्त पर्याप्त था। लालू यादव अपने प्रचार के लिए बिहार के एक एक कोने तक पहुंचे और इसका असर वोटों में साफ तौर पर नजर आया था। 324 सदस्यों की विधानसभा में उनकी पार्टी को 164 यानी कि 164 सीटें जीतने में सफलता मिली थी। हालांकि लालू यादव के लिए भी ये समय थका देने वाला था। लालू यादव सेशन के प्रति क्रोध व्यक्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक बार तो वो ये कहते हुए भी नजर आए थे कि भैंसिया पर चढ़ा करके गंगा जी में हिला देंगे। लालू यादव ने अपनी जीत के जश्न की तैयारियां मतदान के आखिरी दिन ही पक्की कर दी थी। चुनाव का पहला परिणाम आते ही लालू यादव के आवास पर उत्सव शुरू हो चुका था। 30 मार्च की सुबह से ये तय हो गया था कि जीत लालू यादव की झोली में ही जाने वाली है। गोपालगंज से लोक संगीतकारों की एक टुकड़ी खास रूप से बुलाई गई थी। ये ऐसे कलाकार थे जिनके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जर्जर हो चुके थे। लालू यादव के लॉन को दुल्हन सा सजा दिया गया था। हर तरफ लाइट थी और लॉन के बीच उनके मंत्रियों के लिए कुर्सियां। जब लालू यादव महफिल में शामिल होने आए तब वे सीधे लोक संगीतकारों के बीच जाकर बैठ गए थे। संगीतकारों ने दुनिया भर के गीत बजाए और लालू यादव उनके साथ गाते रहे। शपथ ग्रहण में 2 दिन थे और 2 दिन तक मुख्यमंत्री आवास पर इसी तरीके से जश्न मनाया गया। लालू यादव नाचते गाते रहे। लालू यादव के जश्न के अंदाज पर विपक्षी दलों ने कड़े शब्दों में टिप्पणी तो की, मगर उससे ज्यादा कोई और कुछ कर भी नहीं सकता था। और एक दिलचस्प बात ये थी कि लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, जो उन्हें 95 से पहले एजी कहकर संबोधित करती थी, इस मुश्किल जीत के बाद उन्होंने लालू यादव को साहेब कहना शुरू कर दिया था। ये किस्से संकर्षण ठाकुर की किताब बंधु बिहारी से लिए गए। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।